हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसानी से और बहुत टेस्टी बनने वाली चिकन की एक रेसिपी, दही चिकन। इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को। और यदि आप अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ दही चिकन की रेसिपी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 750 ग्राम चिकन को अच्छी तरह से धोकर, इस तरह से हमने अच्छी तरह से धो लिया है, इसकी पानी निकाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, आप अपने चिकन के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसको हम मैरिनेट करके, इसको मैं मैरिनेट करके, मैं बाज़ार का अदरक लहसुन की पेस्ट ली हूँ, आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं इसे। इसे मैं मैरिनेट करके 1 घंटे तक रखूँगी। मैं इसमें अभी दही डालूँगी 3 चम्मच। इसमें मैं अपने घर का बना हुआ दही ली हूँ, आप चाहे तो बाज़ार की दही भी ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, मैं घर में ही इसे तैयार की हूँ। मैं 3 बड़े चम्मच मैं इसमें दही ऐड करूँगी। अब मैं इसे हाथों से, इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से हम इसे, इस तरह से इस सारे मिश्रण को इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये हमारे जो चिकन है वो पूरी अच्छी तरह से दही के साथ मैरिनेट हो जाए। इसे मैं 1 घंटे के लिए, मैरिनेट होने के लिए मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। यदि आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो आप ऐसे ही बाहर रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा चिकन अच्छी तरह से, जो हमने मसाले तैयार किए हैं दही वाले, इसमें ये अच्छी तरह से, इस तरह से मैश हो जाना चाहिए। इसे ढक कर मैं 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देती हूँ। और बाकी के इंग्रेडिएंट चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ और क्या क्या इसमें लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ बाकी के इंग्रेडिएंट। इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ 1 घंटे के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैरिनेट करने के लिए चिकन को रख दिया है। अब और भी इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या लगेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, अब अभी मुझे, मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, 3 चम्मच चिकन मसाला, और ये 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर है फ्रेंड्स। मैंने लाल मिर्च में आप डालकर चिकन मैरिनेट किया। नमक मैं उसमें भी डाल चुकी हूँ, यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं नमक डालूंगी। थोड़ी सी हमने गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर लीव ली है। 3 हरी मिर्च को हम बारीक काट लेंगे। प्याज को मैं अभी आपको काट के दिखा देती हूँ किस तरह से काटना है। 4 बड़े टमाटर हमने लिए हैं इसे, और 4 बड़े चम्मच तेल, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं आपको प्याज किस तरह से काटना है मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमें इस तरह से रिंग रिंग में काटना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम चारों प्याज को इस तरह से रिंग्स में काट लेंगे, और मोटाई हमारी इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मोटी या इससे ज़्यादा पतली नहीं होनी। तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है फ्रेंड्स, मैं इसे सारी चीज़ों को तैयार कर लेती हूँ। ये चिकन इतनी जल्दी बनती है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, और टेस्टी इतनी होती है कि इसमें मैंने कुछ भी पीस कर नहीं डाला, सिर्फ हमने अदरक लहसुन की पेस्ट ली है, बाकी कोई भी मसाला मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर ले रही हूँ। मसाला मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ मैं। इन सब चिकन से ये डिफरेंट बनती है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है और खाने में भी काफ़ी खूबसूरत टेस्टी लगती है। तो मेरी रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सब जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं दही चिकन। फ्रेंड्स, हमने 4 बड़े चम्मच तेल, मस्टर्ड ऑयल हमने ली है, आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल हमारे 4 चम्मच हमने गरम होने के लिए रख दिया है, चेक कर लेते हैं
ये हमारी ऑयल गरम हुई है कि नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा ऑनियन का डालकर देखते हैं। ये हमारी तेल देख सकते हैं आप गरम हो चुकी है। सबसे पहले हम इस तरह से ऑनियन को जिस तरह से हमने काट कर रखा था ये रिंग शेप में, इसे हम इसमें डाल देंगे तेल में। इसे हम कुरकुरा होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे ऑनियन को। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्यार ऑनियन जो है इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हमें इस तरह का ब्राउन करना है। इसमें अब हम एक चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट हमारी एक मिनट तक हम इसे भून लेंगे। ये हरी मिर्च जो हमने 3 हरी मिर्च काट के रखी थी उसे डाल देंगे, और ये 3 चम्मच जो हमने चिकन मसाला लिया है उसे डाल के इसे हम अच्छी तरह से 1 मिनट तक भून लेंगे। इस तरह से 1 मिनट से हमें इसे भूनना है। और ये हमने कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, इसे डाल देंगे। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें। 1/2 टीस्पून हमने मैरिनेट में ऐड किया था हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसे हम 1 मिनट तक इस तरह से भून लेते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे, सिर्फ 1/2 टीस्पून। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस मसाले को सिर्फ 1 मिनट तक भूनना है, क्योंकि ये ड्राई मसाले हैं। और अदरक लहसुन की पेस्ट भी हमारी भून चुकी है। ये हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें जो 1 घंटे तक हमने मैरिनेट करके चिकन को रखा हुआ था, 1 घंटे हमारे हो गए हैं। तो जितने देर में हमारे चिकन मैरिनेट हुए उतनी देर में हमने इसे अभी तैयार, अब हम इसे चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। ये जिसमें जिस बर्तन में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें हमारे मसाले लगे हुए हैं, दही और सारे मसाले। इसमें हम थोड़ी सी, आप 1/2 कटोरी पानी डाल के इसे ऐड कर देंगे, हमारा मसाला वेस्ट नहीं होगा। अब हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। इसमें ये जो हमने टमाटर, 4 बड़े टमाटर लिए थे, इस तरह से हमने टमाटर को काट लिया है, देख सकते हैं। इस सारे टमाटर को हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट तक के लिए ढक देते हैं। मैं मैरिनेट में नमक अच्छी तरह से डाली थी, थोड़ी सी नमक मैं और डाल देती हूँ इसमें। 1/2 टीस्पून मैंने डाली थी, और 1/2 टीस्पून मैं नमक इसमें ऐड कर दूँगी। ज़्यादा हमें ऐड नहीं करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें इसे 10 मिनट के लिए ढक देना है। 10 मिनट के बाद हम इसे खोलकर फिर से देखें। आप देख सकते हैं इसकी कलर कितनी खूबसूरत आई है। और जो चिकन हमने 1 घंटे मैरिनेट करके रखा, तो ये हमारा चिकन ऑलरेडी कुक हो चुका है, पक चुका है, लेकिन हमें इसे 10 मिनट तक मसाले के साथ पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे हम ढक्कन लगा के 10 मिनट तक ढक देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे फिर से खोलकर एक बार देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे देख लेते हैं। ये तो दही में हमने मैरिनेट किया था 1 घंटे के लिए, तो उसमें ऐसी पूरी तरह से पक चुका था। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 10 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से पक चुका है। देख, मैं आपको एक के पीस को देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप फ्रेंड। ये हमारा चिकन अच्छी तरह से पक चुका है, क्योंकि ये मैरिनेट किया हुआ चिकन था, ये पहले ही पक चुका था। अब हम इसे गैस को ऑफ कर देते हैं,
और हम इसे धनिया से गार्निश कर देंगे इस तरह से। इस तरह से धनिया से आप गार्निश कर दीजिए। और एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ये खूबसूरत दिख रही है, आपको देखकर ही खाने की इच्छा होगी। देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है, एकदम डिफरेंट कलर आया है और टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है फ्रेंड। तो एक बार आप इसे घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।